जिसमें नंबर एक राजू समझदार कक्षा 5 में पढ़ने वाला स्टूडेंट है और घर का मोबाइल नंबर कक्षा 2-3-4 के ही बच्चे याद रखते हैं। सबसे पहले वो आसपास जो भी है जाएगा अपनी समस्या बताते हुए कहेगा बस एक फोन करना है, मेरी माँ कहा छोड़ दिया है। तो ऐसे में हेल्प करने के लिए तमाम लोग होते हैं, जो भी होता है सबके पास फोन होता है, मोबाइल दे देंगे और उससे वो बात करेगा। तो अगर मम्मी का नंबर पता है तो उसे डायरेक्ट बात करके बताएगा कि मैं बस स्टैंड पे यहाँ पर हूँ। तो अगर मम्मी इधर उधर होंगी तो माँ उसके पास आ जाएगी, इस प्रकार को मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा पूछताछ केंद्र पे जाए और अपनी समस्या बताए, मोबाइल नंबर ना पता हो, घर का नंबर पता है, घर पे फोन किया जाए, घर के लोग को अगर पता चले माँ का नंबर हो, अगर स्कूल ना माँ का नंबर याद हो तो घर द्वारा फोन करके जानकारी दी जा सकती है। चूँकि 5 में पढ़ने वाला अगर 3 तक निपुण हो गया है शायद सब है और उसके बाद ऐसा भी हो कि माँ देख जाए और माँ मिल जाए तो आसानी से माँ का हाथ पकड़ सकता है। अगर माँ न मिल पाए तो ऐसे स्थिति में वो पुलिस के जो पुलिस बूथ पे जाके अपनी समस्या बताते हुए कि इस बस द्वारा मैं इस स्थान से बैठ के यहाँ आया हूँ और मेरी माँ का हाथ छूट गया है, तो पुलिस को जब सूचना देंगे तो वो जरूर पता बच्चे का पूछेंगे कहाँ से बैठी हो, घर कहाँ है, ये जानते हुए जानकारी लेते हुए बच्चे का माँ को ढूंढने का प्रयास कराएंगे। तो कई सारे विकल्प जो हमने लिखे हैं इसकी सहायता से राजू अपनी समस्या का समाधान